कर हमने मुनि जी के प्रवचन सुने। उससे यह जाना कि दुख कहाँ है, अपने तने में मानने में दुख है। बहुत विचार किया, चिंतन किया, फिर निर्णय लिया कि ये सत्य है कि जब तक हमारी दृष्टि अपने तने में है या पर में है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत प्रयास करने के बाद, अनंत भवों के बाद हमने हर पर्याय में समता धारण कर एक एक पुण्य का संचय कर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अर्थात मनुष्य पर्याय। पर्याय चारों गतियों में भ्रमण करने के बाद, 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद हम इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, दुर्लभ कहा है। यह नैर्भव पाना दुर्लभ है। हम लोग भी आपकी पर्याय पाने के लिए, पुरुष पर्याय पाने के लिए, स्त्री का चिरन करने के लिए इतना तप साधना संयम को ग्रहण किया और आपको मिल गई है तो आप उसे खाने खोने में पकड़े हो तो ऋषि ने कहा था कितने बजे तक कितने लोग मिल गए ये हमारा पुण्य है। तो ये पुण्य हमारा नहीं, अरे साधु का समागम, संतों का समागम जिस समाज को, जिस नगर को मिला करता है वह उनका सौभाग्य हुआ करता है। वो बात और है कि हम उनका एक महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनको जान नहीं पा रहे हैं। समय साल सबको पसंद है लेकिन समय के चलना किसी को पसंद। समय साल में अगर आपको परिवर्तित होना है तो पढ़ने से नहीं होते हैं। आपके विचार, आपके परिणाम, आपकी क्रिया, आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना अगर सही है तो ही आपका समय साल का नाम सार्थक है। आपके परिणामों में विशुद्धि है, आपकी क्रिया में, आपके चलने में, बोलने में अगर सहजता है, सरलता है, नमी है तो ही आपका पूजा करना, अभिषेक करना, भक्ति करना, आराधना करना सार्थक है। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, ऐसे साधु मिले, ऐसे संत मिले, ऐसा शास्त्र मिले, ऐसे प्रवचन मिले, लेकिन कितने भाव, कितने दिन, कितने समय हमने प्रवचन सुनने में निकाल दिया और सुनने में कैसी मूर्ति हो। आप चार मूर्ति वाले प्रवचन तो कई बार सुने होंगे, यहाँ से डालो धागा, यहाँ से निकल जाता है, बिल्कुल आप वही मूर्ति हो। आपके ईमान उस मूर्ति के जैसी ही है क्योंकि आपकी वाणी, आपके वचन, आपकी क्रिया वो देखने में लगी है जो आपको देखना नहीं है और आपको जो देखना है वो आप देखते नहीं। साधु बनना अति सौभाग्य, कई जन्मों का पुण्य के उदय से जीव साधु पर्याय में यहाँ इस भेष में आ पाता है और उसके बाद भी यहाँ आने के बाद टिका रहे या संभला रहे या उसका चरित मोहिनी कर्म का उदय न आए, ये बहुत बड़ा पुण्य कहलाता है। और वहां तुमने सारी जीव पर उंगली उठाते, अरे आप अगर साथ देते तो उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम चार कदम पीछे हैं और साधु को चाहते हैं कि ऐसा हो। आज विकल्प बहुत है आप लोगों के अंदर, सच्चा कौन और अच्छा कौन,
अच्छी नजर आने लगेगी, आपके परिणामों में विशुद्धि अगर आ गई। पूजा करते हो अगर बना लास्ट में ये बची है और पड़ोसी ने उठा लिया तो आंखें आपकी देखो कैसी होती, आपके परिणाम कैसे होते हैं। अनेक मोहर के आप चढ़ाए चाहे दूसरा चढ़ाए, हाँ तो एक ये द्रव तो आपकी थी ना। परिणामों में विशुद्धि कहाँ है आपकी, जरा सा किसी ने हाथ कर दिया तो आप देखो 32 आंखें कर लेते। साधु क्या नहीं करते हैं आप उसके साथ, क्या नहीं कहते हैं आप उनको, क्या नहीं सोचते हैं आप उनके बारे में। आहार देते समय आप देखो, ऐसा अगर आपको दिया जाए आप क्या करोगे, थाली में नमक कम हो जाए या पानी नहीं दिया किसी ने आपके बोलने पर एक मिनट एक सेकेंड की देरी हो जाए थाली फेंक दिया करते हैं। साथ देखो न नमक न मिर्ची न कुछ, कहीं नमक ज्यादा तो कहीं मिर्ची ज्यादा तो कहीं कुछ नहीं, इसी में राग इसी में सखी उसी में सब कुछ कटर कटर खाओ बच्चा किसका स्वाद आएगा। देखो उनकी सरलता देखो, उनकी सहजता देखो, कितने हंसते मुस्कुराते और कितने भावों से लेते हैं। आज कमी जो हो गई है गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो गया है, गुरु के प्रति आपकी आस्था कम हो गई। कारण क्या है, बुरा देखने चल रहे हैं लेकिन बुरा लेखन ने चला बुरा न मिला कोई और जो दिल खोजा आपको मुझसे बुरा उसकी गति का बंद कराते हैं। कहते हैं जिस जीव को साधु के प्रवचन सुनने के भाव नहीं होते, जिस जीव को भगवान का मुख मंडल देखने के भाव नहीं होते, गुरु का चेहरा देखने के भाव नहीं होते, उनके पास बैठने के भाव नहीं होते, जाप अनुष्ठान करने के भाव नहीं होते, जो जीव धार्मिक क्रियाओं में विघ्न डाला करता है, यात्रा आदि करने में विघ्न डाला करता है, उसे नरक गति का बंद हो गया है वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं। आपके परिणाम महत्वपूर्ण रहते हैं, आपकी क्रिया महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ से यहाँ द्रव ट्रांसफर करने का नाम धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है, अपने माँ बाप के प्रति अपने गुरु के प्रति अपने इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा कैसा है। भगवान पर जब आप अभिषेक करते हो उस समय आप अपने परिणाम देखो, सच्ची जब जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति होती है जब वह उसके साथ बुरा होते देख रहा है तो उसके तन मन में आग लगती है। ऐसी श्रद्धा है आपको गुरु के प्रति, ऐसी श्रद्धा है भगवान के प्रति। भगवान के ऊपर कैसे आप कलश धोते हैं कभी देखना, जैसे आप अपने घर में नहाते हो ना वैसे आप भगवान के ऊपर कलश धोते। गुरु से कैसे आप बात करते हो देखना, जैसे आप घर में अपने पत्नी से अपने बच्चों से लव स्टाइल में बात करते हो वैसे गुरु से बात करते कहां विनय। आप जब गुरु के सामने आते हो तो आपका सिर कितना झुकता है और कैसे झुकना है और कैसे परिणामों से झुकना है वो तो आप ही जानते हैं, खुद और खुदा से कुछ भी छिपता नहीं। इसलिए अधिक कहने से क्या फायदा, सुनते सुनते तो आपकी जिंदगी काफी निकल गई। अगर एक एक लाइन में एक एक शब्द में अगर एक एक साधु से आप ग्रहण करते तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रवचन सुनने के लिए सकता, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ढोंग करने की आवश्यकता पड़ती, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार के साधु के प्रति ढोंग करना हो। आपसे कितने श्रेष्ठ हैं, कितना तप कितनी साधना कितने वो आज जो तकलीफें आ रही हैं साधु, आप अपने बच्चे को अपने बेटी को क्यों नहीं बनने देना चाहते हो साधु, कारण आपको पता है इसलिए आप बनने नहीं देना चाहते। अगर आप साथ होते तो शायद आज 1300 साधु नहीं होते 13000 साधु होते। आप सब चाहते हैं, आप सब प्रस्त आ गए अपने जीवन से बनना तो चाहते हैं लेकिन स्थिति परिस्थिति लेकर बोलते हैं हाँ बाबा। इसलिए बहुत कुछ मत करो लेकिन तन मन और धन जो आपके
मेरा हाथ यहाँ की व्यवस्था कीजिए। सितम्बरी लोग आपके बाजू में हैं, उन्हें एक विशेष सब में कोई ना कोई विशेष काम होती है, सब में कोई ना कोई गुण हुआ करता है। एक एक घर एक एक व्यक्ति से आप लीजिए और एक बीड़ा उठाइए। हमारा ऐसा भाव है जैसा हम लोगों में एक बीड़ा एक पेटी हुआ करती है, जहाँ से ये सारा साधु संतों की व्यवस्था हुआ करती है। मात्र 1300 साधु हैं, अगर 3-3 गांव या 5-5 गांव या 10-10 गांव या 25-25 गांव भी एक साधु का बीड़ा उठाता है, तब भी साधुओं को आपको छोटे काल के साधु नजर आने लगेंगे, मिलने लगेंगे और आप जो चाहते हैं वैसा आपको दिखने लगेगा। लेकिन करना हमें कुछ नहीं है और भाव हम ऐसे बनाते हैं बिना मतलब के, अपने भावनाओं को खराब करते हैं, बंद बांध देते हैं। हम बंद बांधने नहीं आए हैं, बंद छोड़ने आए हैं। हमें कर्मों का संचय करने नहीं आए हैं, कर्मों का क्षय करने आए हैं। हमारी पूजा हमें फल दे ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, हमारी क्रिया हमें हर समय उत्तम फल दे ऐसा परिणाम हमारा होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, हम साधु के दर्शन करने आए हैं तो क्यों आए हैं, कर्मों का क्षय करने के लिए आए हैं। हम पूजा अभिषेक करते हैं तो उसके स्पर्श करने का भाव हमारा ये है कि आपके जैसे गुण हमारे अंदर आए, हम उन्हीं लोगों को स्पर्श करते हैं, हम उन्हीं लोगों के चरण छूते हैं जिनके गुण हमें चाहिए। हर किसी के छू सकते हैं नहीं छू सकते, हर व्यक्ति में एक गुण है, एक विशेषता है। एक एक गुण अगर आप अपने अंदर लाए तो नियम से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी भावना के साथ भगवान की जय।